दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बिजली के मीटर में यह जो है लाल और हरे रंग की बल्ब जो छोटी सी लगी रहती है, इनको क्यों लगाया जाता है मीटर में? इनका क्या काम होता है? अगर इनको हम नहीं लगाएंगे, लाल और हरी बल्ब जो है, क्या मीटर रीडिंग देना बंद कर देगा? क्या मीटर खराब हो जाएगा? चलिए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि मीटर में जो है, बिजली के मीटर में ये लाल कलर का जो छोटी सी बल्ब है, इसे क्यों लगाया जाता है और इसका क्या काम है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, ये जो है छोटी सी बल्ब, इसका नाम है कैल एलईडी, यानी कि कैलिब्रेशन एलईडी। इसके बगल में आपको एक नंबर दिख रहे हैं, उससे कहते हैं मीटर कांस्टेंट, यानी कि एक यूनिट में जितना भी बिजली खपत होती है तो कैल एलईडी उतनी बार ही बिलिंग करती है। आपके घर में फैन चल रहे हैं, टीवी चल रहे हैं, एलसीडी चल रहे हैं, कूलर चल रहे हैं, अगर आप चलते समय अगर आप मीटर को देखेंगे, ये छोटी सी बल्ब को, ये ज्यादा बार बिलिंग करेगी, यानी कि कम समय में, यानी कि 10 सेकेंड 5 सेकेंड में ये तुरंत जो है ये बिलिंग करेगी, यानी कि आपके घर में बिजली का लोड है, इसीलिए ये जो है जल्दी जो है ये बिलिंग करती है कैल एलईडी। अगर आप जो है अपने घर का एसी, फ्रिज, कूलर, फैन अगर बंद कर देंगे तो ये बिलिंग होना बंद कर देंगे। तो इसका यही काम है मीटर के अंदर और इसीलिए इसे लगाया जाता है। दूसरे नंबर पे चलते हैं, ये जो है हरी रंग की बल्ब जो है, ये छोटी सी बल्ब, ये मीटर में क्यों दिया जाता है, इसका क्या काम होता है? तो ये अगर आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पे मीटर में, ये अगर ऑन रहेगी हरी रंग की बल्ब जो है छोटी सी, इसका मतलब ये है कि मीटर तक जो है बिजली आ रही है और मीटर ठीक ठाक है, यानी कि जो भी सप्लाई आ रहे हैं पोल से, जो भी करंट आ रहे हैं पोल से, वो जो है मीटर में जा रही है, यानी जो है हरी बल्ब का यही काम है, इसीलिए इसे लगाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे एक और है जो कि छोटी सी बल्ब, जो कि लाल कलर का ही है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका क्या काम होता है, इसे मीटर में क्यों दिया जाता है। सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि आपके जो है मीटर में जितने भी वायर सप्लायर है, जितने भी मीटर से आप कनेक्शन लिए हैं, जितने भी मीटर से वायर आपके घर में गए, फैन में, टीवी में, चाहे एसी में, चाहे कूलर में, उसको ये बल्ब का यही काम है कि जो वायर में जो लीकेज है, यानी कि वायर अगर आपका खराबी हो जाता है, यानी कि वायर में अगर आपका लीकेज है, यानी कि खराब है वायर, तो यही दर्शाती है कि ये छोटी सी बल्ब ये ऑन हो जाएगी। ऑन होने पे आप समझ सकते हैं कि मेरा जो है वायर, यानी कि मेरा जो है घर में वायर में प्रॉब्लम है, यानी कि वायर में कहीं शॉर्ट लग रहा है, यानी कि वायर में कहीं लीकेज हो रहा है, इस बल्ब का जो है यही काम होता है, इसीलिए मीटर में लगाया जाता है। तो हम आपको कंप्लीट जानकारी देने का कोशिश किए हैं। अगर ये आपको नॉलेज बहुत अच्छा लगा तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी आप दबा सकते हैं, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स भी है, वहां पे भी आप बता सकते हैं। दोस्तों, आप किसी और टॉपिक पे वीडियो देखना पसंद करते हैं, उसके लिए भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, तो आपके टॉपिक पे बहुत जल्द वीडियो आने का संभावना रहेगा। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी एक और नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।